नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी टेक ज्ञान में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी मोबाइल की लोकेशन को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं विदाउट GPS के। और दोस्तों ये कोई, सबसे पहले मैं बता देता हूं, कोई फेक वीडियो नहीं है। जैसा कि आप YouTube पे देखते हैं मोस्टली इस बारे में सारी फेक वीडियोज़ होती हैं, तो दोस्तों ये एकदम रियल वीडियो है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो ट्रिक है ये तब काम आती है, मान लीजिए आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंप्लेंट लिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपका फ़ोन मिलना दोस्तों मुश्किल ही होता है, खासकर इंडिया में। तो दोस्तों आपके मोबाइल में आपका पर्सनल डेटा आपका पड़ा होता है, कई बार क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आजकल तो इतना ज़्यादा बैंकिंग का वो आ गया है, सारी बैंक की एप्लीकेशंस होती हैं, हर चीज़ होती है, तो दोस्तों उस चीज़ में ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, बेसिकली ट्रिक इसी पे बेस है कि अगर आपका फ़ोन आपका गुम हो जाता है तो आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं विदाउट GPS के। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो दोस्तों आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी ये होना चाहिए कि जिस फ़ोन को आप ट्रैक कर रहे हैं उस फ़ोन के अंदर आपकी Gmail ID ओपन होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ये एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे अपनी Gmail ID से, जिस भी Gmail ID को आप ट्रैक करना चाहते हैं, जिस भी फ़ोन को, उस फ़ोन में जो भी Gmail ID चल रही है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने डाली हुई है, ये वाली ID मैंने डाली है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाता है, ये जो फ़ोन है ये Xiaomi Redmi Note 3 आपका, जिसमें मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जस्ट नाउ इन योर हैंड, इसने खुद ही बता दिया है कि ये फ़ोन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, खुद ही लोकेशन गूगल ने चेक करके। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपका फ़ोन ये गुम हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे किसी और, कोई और आईडी भी अपनी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरी दूसरी आईडी है वो किसी अगर और फ़ोन में चल रही है, तो दोस्तों ये उसको भी ट्रैक कर लेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इस आईडी के साथ आपका यहाँ पे, लॉगिन करता हूँ इस आईडी के साथ, तो दोस्तों देखिए ये भी बता देगा कि ये फ़ोन कहाँ पे है, जिसमें मेरी, जिस फ़ोन में मेरी ये वाली आईडी चल रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप इसको यूज़ कैसे भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर बात है, बाकी ट्रिक मैं आपको दोस्तों पूरी बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम जहाँ पे थे, ये जी देखिए दोस्तों, ये पूरा इसने लोकेशन बता दिया है फिलहाल कि ये जनकपुरी मायापुरी तिलक नगर में अभी मैं हूँ। तो इसने लोकेशन में बता दिया कि ये फ़ोन मैंने अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, लेकिन अगर बाई चांस आपका ये फ़ोन गुम हो जाता है तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आप अपना सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आप सिक्योरिटी का ऑप्शन ढूंढिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको आपके सेटिंग में ही जाके मिलेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला है प्राइवेसी का। देखिए दोस्तों, प्राइवेसी में मैं जाता हूँ, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है, इसको ये यहाँ पे टिक होना चाहिए दोस्तों। अगर टिक नहीं है, मान लीजिए आपका ऐसा मिलेगा आपको ये, तो आप इसको टिक कीजिएगा और इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने अब एक्टिवेट कर दिया और आप इसको आप छोड़ दीजिएगा, अब आपका फ़ोन अभी चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों बाई चांस अभी आपका फ़ोन गुम हो जाता है फ्यूचर में बाई चांस, तो दोस्तों उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे है, चाहे उसमें कोई भी सिम डली हुई हो, नो मैटर किसी भी नंबर में कोई भी नंबर उसमें डला होगा, लेकिन सिर्फ आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। ऑन अगर नहीं भी है, अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं भी है, तो उसमें से दोस्तों ये सारा डेटा आप इरेज़ कर सकते हैं, अपना जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन में से वो इरेज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन को आप लॉक कर सकते हैं रिमोटली बैठे बैठे, प्लस अपने फ़ोन पे आप रिंग भी दे सकते हैं। रिंग ऐसा नहीं है कि आपकी 30 सेकेंड के लिए जाती है, रिंग आप जो देते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू वो गूगल ही देता है, और लगातार 5 मिनट तक जो फ़ोन आपका होगा जिसके भी हाथ में, वो बजता रहेगा फुल वॉल्यूम में, फुल वाइब्रेशन के साथ दोस्तों। उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है या इसको कैसे बंद करना है, वो 5 मिनट तक बजता रहेगा, और आप कितनी भी बार दोस्तों रिंग दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी मान लीजिए मैं इस फ़ोन को, मेरा ये फ़ोन गुम हो जाता है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पीसी पे जाएंगे। पीसी पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे खोलना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। देखिए दोस्तों, ये आ गया एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, आप यहाँ पे ओपन करेंगे।
ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन, आप इसी को ओपन आप कर लीजिएगा, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को। ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को आप यहाँ पे आके ओपन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही अपना ये यहाँ पे आपका जीमेल आईडी मांगेगा, जो जीमेल आईडी आपने अपने फ़ोन में रजिस्टर किया था, जो आपके फ़ोन में चल रहा था आपका जीमेल आईडी, आप वही जीमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी इसने, मैंने पहले से डाला हुआ है ये, तो देखिए दोस्तों इसने मेरा लोकेशन दिखा दिया है, वही जो भी आपको मैंने अपने फ़ोन पे दिखाया था, जनकपुरी मायापुरी के बीच में, लोकेशन एक्यूरेट टू 600 मीटर, लास्ट ऑनलाइन जनवरी 2, 2017। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मेरे पास दोस्तों तीन ऑप्शन आते हैं, रिंग, लॉक और इरेज। अगर मैं चाहूँ तो अपने फ़ोन का सारा डेटा मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ, जो भी मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन होगी या जो भी कुछ होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा फ़ोन में से। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन गुम नहीं हुआ है, मेरा फ़ोन अभी मेरे हाथ में ही है। दोस्तों अगर मैं लॉक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपने फ़ोन को लॉक भी कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है तो मैं लॉक भी नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं आपको रिंग करके ज़रूर दिखा सकता हूँ। जैसे ही मैं रिंग पे यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरा फ़ोन देखिए दोस्तों रिंग होगा, और 5 मिनट्स तक रिंग होगा दोस्तों। ये यहाँ पे मैंने किया तो ये देखिए दोस्तों, योर डिवाइस विल रिंग एट फुल वॉल्यूम फॉर 5 मिनट्स, प्रेस द पावर बटन टू स्टॉप द रिंगिंग। अगर 5 मिनट तक मेरा फ़ोन बजता रहेगा दोस्तों, अगर मुझे अपने फ़ोन को बंद करना है, रिंगिंग बंद करना है, तो मुझे अपने पावर बटन को दबाना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं रिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों मेरा फोन रिंग हो रहा है, और लगातार दोस्तों ये 5 मिनट तक रिंग होता रहेगा दोस्तों। जब तक मैं पावर बटन नहीं दबाऊंगा तब तक रिंग होता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पावर बटन दबाया, तो अभी दोस्तों ये जो रिंगिंग है बंद हो गई है। मैं दोस्तों आपको इसको दिखा नहीं सकता हूँ फ़ोन में डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक ही बार में एक चीज़ पे आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आप इसको अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करता है, और अपने फ़ोन में आप खुद के पर्सनल फ़ोन पर भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं वो बात बताता हूँ जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो ओपन किया है। अगर आपको किसी और का फ़ोन ट्रैक करना हो इसी तरीके से, तो आपको दोस्तों उसका जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जीमेल आईडी पासवर्ड आपको पता होगा तो आप जब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको फ़ोन में दिखाया था, एंड्रॉयड डिवाइस मैंने ये डिवाइस मैनेजर आप डाउनलोड करेंगे, तो उसको जब आप साइन इन करते हैं तो आप वो आईडी डालिएगा जिस फ़ोन को आपको चेक करना है, तो आप वो आईडी डालेंगे। आईडी वो वाली डालने के बाद आपको फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन गूगल बताएगा खुद कि वो फ़ोन अभी कहाँ पे है, और आप चाहें तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके उस फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, या फिर डेटा इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, लेकिन सलाह मेरी यही होगी कि आप इसको जब भी यूज़ करें तो लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, लेकिन दोस्तों वो आपके हाथ में बात है, ट्रिक बताना हमारा काम है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दोस्तों आपकी समझ की बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक्स लेकर हम आगे भी आते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।